कोरोना महामारी जो विभिन्न वर्गर लोक प्रभावित होती बात पड़ना जित्रा कलाकार जिम कर्मचारी ब्यूटी पार्लर जो रही कर्मचारी मैंने कलाकार मैंने दावी कर प्रत्येक वर्गर लोक मानक 5000 लखा सरकार भत्ता दिंतु एने कौन रही दाबी रही सहित आम सहित जोड़ बापी पंडा जोड़ सहित आलोचना करवा बापी बाबू आपणकर कौन दाबी रही मुख्यतः आमर स्पेशल कोविड पैकेज कोविड पैकेजटा घोषणा करा जाऊ वर्तमान कलाकार माने प्रत्येक वर्गर कलाकार बर्तमान दुस्थ अवस्था रही दुई वर्ष हो गला सरकार आखि खोल दरकार एक मंच जदि अंधार रो जीवन को बचापी घर कोण से लुचि रे ताले जीविका हर से बचे केमी तेणु आमर निर्दय सरकार वर्तमान सुधा आम कथा बुझी ना आम जो डाटाबेस देचु से डाटाबेस को आधार करी एवं आपण सरकारी जो जिलापाल महोदय एवं डीसी और डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर को जरिया रे से केमिति कौन डाटा आणतु आ खूब शीघ्र पैकेज घोषणा करूँ ना आगामी दिन में ये आंदोलन तीव्र रूप नब वर्तमान आपण जो विक्षोभ जारी रखिंट कौ कौ लोक मैंने वर्ग सामिल होती निश्चित जो मैंने निजर जीविका हर बस आम सहित जोड़ी ही रही आम ए देख लु एक्चुअली भी एफेक्टेड तो व्हाई नॉट से आम सहित आम भी स्वागत जनइलु तेणु एदी अगर राज्य जदि सरकार से कथा चिंता करशा कहीं नुहे ओडा कहीं पचर रोचर सरकार जो दीपणिया नीति देखिए कोविड रात नाइट कर्फ्यू पुणी ता सहित मंच उन्मुक्त कर्फ्यू तो लगे पुणी मंच केमी उन्मुक्त रहा तेणु एटा चिंता करार विषय आ जो मैंने आज के जीविका हर बस बचे केमी छुआ पा पाठ पढ़े केमी रोगीणा बापा माँ औषध खाइबे केमी एटा सब चिंता करवा दरकार राज्य सरकार आमर सबु वर्गर कलाकार सबु वर्गर कलाकार को नहीं राज्य कलाकार महासंघ ओडिशा देखिए मु संपादक हिसाब से बापी पंडा एतिकी गुहारी करुची सरकार को सबु वर्गर कलाकार कथा चिंता करा जाऊ आ खूब शीघ्र तांकु बंचीबार राहा दिया जाऊ ताना बड़ असुविधा हवा आगामी दिन में 15 दिन भितर आप दाबी पूरण करने सरकार को अनुरोध करी दिन दाबी पूरण न हुए तो आप राजरास्ता को ओह्लैबे राजरास्ता को ऑलरेडी बाहरी आसलु तापर आंदोलन हम एवं गुहारी करुच्छ आगामी दिन में जदि सरकार आम कथा न शुणती आर किसी जदि सुफल आमको न मिले तेल आंदोलन हम बर्तमान सुधा आम आंदोलन करनु बर्तमान आम गुहारी कर चलीचु ना आज प्रत्येक जिलार है भुवनेश्वर ठू आरंभ कर प्रत्येक पुरपल्ली आंदोलन हम निश्चित भाव आप शुणुते कि भुवनेश्वर ठू आरंभ कर पुरपल्ली पर्यंत आंदोलन हो जी आगामी दिन में कलाकार मानूर जो 6 मास रही 5000 लगा मसक भत्ता न दिं आगामी दिन में राजरास्त आंदोलन करेंगे ये सहित आम सहित चाषी नेता अच्छा अक्षय कुमार अच्छा सर कौन कहे आज जो आंदोलन कर मुख्य दाबी कौन रखु संविधान धारा 21 अनुसार जीवन अधिकार जीविकार अधिकार जीवन अधिकार जो मौलिक अधिकार ताकू बचाई सरकार लॉकडाउन घोषणा करडाउन घोषणा कर बिना जीविकार जीवन अस्तित्व ना तेणु जीविकापाई जीविका सुरक्षा भत्ता अति कम 6 मास 5000 हिसाब से 1100 कोटी टाइम गोटे पैकेज घोषणा करूँ जो थे कलाकार जिम ब्यूटी पार्लर ठान कर समस्त कृतज्ञ रही है यही कथा जब पूरण न हुए आगामी 15 दिन में ताले डू और डाए करोमा मर आंदोलन चलो जेल भर आंदोलन चलो आई सरकार दायी रहे निश्चित भाव आप शुणुते आग को करोमा मर परिस्थिति सृष्टि हो पाए जेहेतु आंदोलन कर आंदोलन में जो रही राजरास्ता को ओह्ल आंदोलन ता सहित रही 6 मास जो 5000 टंका लेखा भत्ता जो सरकार घोषणा करूँ एवं 1100 कोटी टंकार गोटे पैकेज घोषणा करूँ बोली जहाँकि अक्षय कुमार कही बर्तमान चाषी नेता जी कही आम सहित अच्छा सुभाष बेहरा सहित आलोचना करेंगे मुख्यतः दाबी कौन रही सुभाष बाबू कौन दाबी रही बर्तमान आप रास्ते आज आंदोलन कले भत्ता तो नहीं कौन कहे भत्ता नुहे यहाँ हूँ गोटे पैकेज टे भत्ता तो सरकार दौंस कि प्रकृत कलाकार जी जाए भत्ता पाई ना बड़ा अविश्वास विषय से दीर्घ 1.5 वर्ष हो गला बर्तमान जित्रा संस्था कहतु ए कृषक संगठन कहतु कि ब्यूटी पार्लर कहतु मैंने सब भारी बर्तमान बहुत मानने
ଅବଶୋଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସବୁ ସେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନିର୍ମାଣ ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ମାସଙ୍କ ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଦେ ପଚାରିଲେଣି। ଏମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି? ଏମାନଙ୍କ ସରକାର ତିଆରି କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ ନାହିଁ କି? ଅଛି। ତାପରେ ବି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ବୁଝୁ। 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ, ମିନିମମ୍ 6 ମାସର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଗୁଛୁ, ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମାନେ 6 ମାସକୁ 30,000 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଗୋଟେ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟାକୁ ସରକାର ମାନିନିଅନ୍ତୁ, 15 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରିଛୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ପୂରନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ବାଟ ବି ଅନୁସରଣ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, କେବଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମାନେ ଅନଶନ କରିବୁ, ଭଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ଏହିସବୁ ପନ୍ଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ସୁଭାଷ ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଏ ସହିତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗୌରବ ଭାଇ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ଘରାଇ କରିବେ କି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଗୌରରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଦେଲା ପରେ ବି ସରକାର ତ କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳାକାରମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ସହିତ ଅନଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କି ନୀତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।